21 साल से कसरत जारी है, हम कैसा कानून ले आया यार, 21 साल तक समझ ही नहीं आया किसी को, तो अब कब समझ आएगा। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। जिसने भी बनाया, जो भी विद्वान थे, उन सब पर लानत भेजो। क्या कानून वित्त सचिव के लिए है? नहीं। फाइनेंस मिनिस्टर के लिए है? नहीं, नहीं ना। कानून तो विजय बंधु और दूसरे और जो डाकिया हैं, जो पोस्ट मास्टर हैं, पोस्टमैन हैं, जो कंपाउंडर हैं, सरकारी अस्पताल में मास्टर हैं, और इन सब से ऊपर, इन सब के साथ हमारे भारत की सुरक्षा के लिए जो लोग बलिदान दे रहे हैं, उनके लिए है ना कानून। कि अंग्रेजी जानने वाले 10 लोगों का नाम है वेल डन, वेरी गुड, ओके, ओ माय गॉड, उससे तो देश नहीं चलेगा ना। जिनके लिए है, डॉक्टर ने कहा यह दवा बहुत अच्छी है, आपने इसी आंखों में डाल दो, इससे आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। पता लगा आंखों की रोशनी चली गई, और डॉक्टर फिर भी अड़ा के ना यही डालते रहो। ये भी तो देखेंगे मरीज पर रिएक्शन क्या है। मेरा सवाल यही है, 21 साल तक कोई कानून अगर अपनी जगह नहीं बना पाया सुजाता जी, तो उस कानून को जाना ही होगा, आज जाए, कल जाए, परसों जाए। ये मेरा समझ कहती है क्या 21 साल सब कम नहीं भाई, 4 साल और होते तो 4th शताब्दी हो जाती। विजय बंधु जी, भाई सरकार जिस आशय से यूपीएस लाई थी, उसने ये कहा भी था, जिस दिन इसका अनाउंसमेंट किया उस दिन सरकार ने भी कहा, अधिकारियों ने भी कहा, राजनेताओं ने भी कहा कि भाई जो शिकायतें थी एनपीएस की वो हमने दूर कर दी वो यूपीएस लाके। अच्छा, यूपीएस से आदमी फैमिलियर भी था भारत में, कंप्यूटर में लगाते थे यूपीएस, नहीं तो उसको लगा कोई वैसे ही मामला है, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं आपसे मेरा मतलब सरकारी कर्मचारी फिर सड़क पर हैं और देश भर में आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं, क्यों? जी बिल्कुल सही कहा, अगर यूपीएस से लोग संतुष्ट होते तो कल पूरे देश में, ये अपने आप में अद्भुत बात है कि ये किसी एक जिले में या 4 जिले में नहीं हुआ है, ये प्रदेश में 2 प्रदेश में नहीं हुआ है, पूरे देश के सभी जिला मुख्यालयों पर हुआ है। और ये जो भीड़ आई है कल जिनों जिनों पे आई है, ये ना किराए पर लाए गए हैं, ना इनको खरीदा गया है, ना इनको जबरदस्ती बस में भर के लाया गया है रैलियों की तरह, ये स्वतः अपने हित अहित को समझते हुए सड़कों पे आए हैं। अगर इस बात का ये द्योतक है कि ना एनपीएस ना यूपीएस इनको पसंद नहीं है, अब उसके कारण क्या है? पिछले 20 सालों से यही सरकार कह रही थी कि एनपीएस बहुत अच्छी है, बहुत ही शानदार योजना है, फिर अचानक उन्होंने स्वीकार किया तो यूपीएस ला खड़ा कर दिया। इसका मतलब जो बात पिछले कई सालों से कही जा रही थी वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही थी कि एनपीएस ठीक नहीं थी, तभी तो यूपीएस लाई। अब जब कहा जा रहा है कि यूपीएस ठीक नहीं है, ये उद्योगपतियों के लिए लाई गई व्यवस्था है, इसमें कर्मचारियों का कोई फायदा नहीं है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं ना प्रदेश का ना देश का कोई फायदा है, क्योंकि पैसा ये हमारा और सरकारी कर्मचारी का और सरकार का पैसा उद्योगपति ले जा रहे हैं, उनका फायदा हो सकता है लेकिन कर्मचारी का और देश का फायदा नहीं। और इस बात का कल प्रमाण हो गया कि इसको पूरे देश ने नकार दिया, इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी, पूरा देश कोई छोटा मोटा देश नहीं है, कन्याकुमारी से लेकर काश्मीर तक, अटक से लेकर कटक तक, हर राज्यों में विशाल प्रदर्शन हुआ है। और प्रधानमंत्री जी से या सरकार से बस निवेदन इतने हैं, ये इसलिए आक्रोश हुआ कि हमें एनपीएस यूपीएस स्वीकार नहीं है, हमें चाहिए पुरानी पेंशन, हमें वही हूबहू पुरानी पेंशन दे दीजिए। कुछ कभी कभी तर्क 2 तरह के दिया जाता है, एक तरफ कहा जाता है कि पैसे की कमी है इसलिए योजना आई है, एक तरफ कहा जाता है आपको ज्यादा देना है इसलिए लाई गई है। तो 2 में एक बात तो पहले क्लियर हो कि 2 में सही बात क्या है। और अगर आपने भी कहा कि आर्थिक महाशक्ति हम दुनिया के बन रहे हैं, और जब आर्थिक महाशक्ति हम बन रहे हैं तो उस आर्थिक महाशक्ति बनाने में ये भी देश के नागरिक हैं, इनका भी कोई ना कोई योगदान होगा, तमाम विकास कार्यों में योगदान होगा, सरकार की योजनाएं लागू करने में योगदान होगा, इस शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था अर्थव्यवस्था में उनका योगदान होगा। तो अगर आर्थिक महाशक्ति हम बन रहे हैं तो हमारा उसमें भाग कहाँ है, एक बात। दूसरा, अगर दिक्कत आर्थिक की है तो ये सारी कटौती इन्हीं कर्मचारियों, शिक्षकों, अधिकारियों, देश के अर्धसैनिक बलों पर क्यों हो रही है? इसी देश में सब, हम आप जानते हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3-3 पेंशन, इसी देश में सुविधाओं का अंबार लगा है, सुविधाओं में कटौती, जिस दौर में कोरोना काल में शिक्षक कर्मचारियों ने इस देश को, समाज को बचाने का काम किया, जिस दौर में अपने परिवार को लोगों ने छोड़ दिया, उस दौर में हमारे डॉक्टर्स और नर्स, राजस्व कर्मचारी काम किए, तब तो बहुत प्यारा लग रहा था सरकारी कर्मचारी, तब तो बड़ी अच्छा लग रहा था, एक भी लोग नहीं निकले थे, तो उस समय हमारी देशभक्ति कहां गई? हम इस देश के निर्माण में काम नहीं कर रहे हैं क्या? अपने लिए आप 2 पेंशन 4 पेंशन लेंगे, सुविधाओं का अंबार लेंगे, और देश का अर्धसैनिक बल बिना पेंशन के रहेगा, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं सर जी, एनपीएस एनपीएस से ज्यादा खतरनाक यूपीएस है,
ये लोग एक एक आदमी समझ गया है, क्योंकि एक लाइन दे दी गई कि लास्ट वेतन का 50% का बेसिक का औसत निकाला जाएगा, इसी पर हमारा 10% पैसा, पूरी जिंदगी की हमारी कमाई का 10% सरकार रख लेगी, ऊपर से हम ये कह रहे हैं कि ये योजना बहुत अच्छी है, और इसमें विसंगति विसंगति है, ठीक है। और अभी रुकना होगा विजय भाई, अभी अभी रुकिए, दोबारा में आते हैं, मैं आशीष जी के पास चलूं। आशीष जी, आपसे मेरा प्रश्न ये है कि चूंकि आप एक राजनीतिक दल को रिप्रेजेंट करते हैं, ज्यादा आक्रोश इस बात को लेकर भी है कि जो एक बार एमएलए हो गया वो मलाई छान रहा है मृत्यु तक, क्या घाट पे जाने तक मलाई छान रहा है, क्या प्रोटीन शेक ला रहा मुफ्त में है, वो पी रहा है, च्यवनप्राश पी रहा है, क्या खा रहा है, तो आयु भी लंबी पा रहा है, नहीं बोले क्यों, बोले 1960 में एमएलए हुए थे एक बार, घूम भी फ्री रहा है, ठीक, और कुर्ते में कलफ लगाया और चल भैया, और फिर एमपी हो गए तो डबल हो गई, फिर मंत्री रह लिए तो ट्रिपल हो गई, फिर मुख्यमंत्री रह लिए तो 4 गुना हो गई, नहीं फिर राज्यसभा चले गए तो वहां वाली 5 पेंशन आने लगी, नहीं मतलब कहीं कोई शर्म का वो रहता है तत्व कि नहीं जेहन में, कि हमको इसी देश से वोट लेना, भाई मेरे आप लोगों ने अपने घर में कुबेर का अंबार रथ उतार दिया, अब बाकी सबको ज्ञान दे रहे हो, करे नहीं समझ नहीं रहे हो, अर्थव्यवस्था का मसला है, देश बर्बाद हो जाएगा, राजनेताओं को यह चिंतन नहीं आता, आर्मी का अधिकारी आर्मी का जवान 5 लाख से बड़ी गाड़ी नहीं खरीदेगा, वो दूसरा वो बताया कितने लाख उससे ज्यादा की गाड़ी नहीं खरीदेगा, 15 लाख जो भी, लेकिन जो गलती से भी एमएलए हो जाए सुजाता जी उसके लिए ये लोकलाज का विषय, मतलब ये अघोषित वो है व्यवस्था कि लला आज रिजल्ट आए और कल फॉर्चुनर निकाल लेना, क्या 55 लाख रुपया नगद देके अमू चुप ताव देके उसमें चलना फर्राटे में, नहीं तब देश मजबूत हो रहा है, ब्लॉक प्रमुख भी थार में नहीं चल रहा, उसके चेले चिंटू चले वो भी फॉर्चुनर निकाल रहा है जो ब्लॉक प्रमुख है, क्या आर्मी में आपने प्रतिबंध लगा दिया कि मेजर जनरल भी हो तो भी 15 लाख से ऊपर नहीं लेना, क्यों भाई ये सब कौन सलाह दे रहा है और क्यों दे रहा है, ऐसी बातें किसी ने मांगी ये सलाह नहीं ना, नेताओं के लिए क्या आप लागू नहीं करते, मैंने एक बार एक शो में कहा था, अविरल भाई आ रहा हूं, जब भी मैंने 25 साल से ज्यादा तक पार्लियामेंट कवर की एक पत्रकार के नाते, जब भी पार्लियामेंट एडजर्न होती थी सुजाता जी तो मैं गेट नंबर 1 पर खड़ा हो जाता ताकि नेता मिलते थे उनसे बातचीत के लिए, तो गाड़ियां सबकी बुलाई जाती थी, ऐसा लगता था कि विश्व के किसी बड़े ऑटो एक्सपो में आ गया, क्या जब इस गरीब मुल्क के नेता निकलते थे, क्या ऐसी ऐसी गाड़ी आहा बाहर नहीं देखने को मिलती थी, क्या उसमें गरीब लोग के नेता जाते थे, है ना, क्योंकि नेताजी को अगले दिन हाउस में भी तो बताना कि भारत गरीब है, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि अभी हम 2.5 करोड़ की गाड़ी में बैठ के आए हैं, गजब हाल भाई। खैर अविरल भाई, मेरा एक व्यवहारिक प्रश्न, अम्मा बाप ने लड़के की शादी कराई सुशीला के संग, मान लो एक काल्पनिक बात कह रहा हूं, है लड़की की शादी को सुशीला के संग, अब 21 साल तक सुशीला को न घरवाले समझ पाए ना सुशीला घरवालों को समझ पाई, क्या तो क्या माने, और उसके बाद सुशीला के रहते हुए दूसरी शादी करा दी शर्मिला से, एनपीएस 21 साल में अपनी जगह नहीं बना पाई जहां उसको बनाने के लिए लाए थे, तो दुर्व्यवहार तो वैसे भी कानूनी निषेध होना चाहिए, नहीं अब एनपीएस भी गुस्सा हो गई होगी कि हमारे रहते यूपीएस क्यों ले आए, अविरल जी जी आदरणीय अमिताभ जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार मैं करना चाहूंगा, और जिस प्रकार से पाकिस्तान के साथ वार्ता होनी चाहिए, पाकिस्तान कौन सा मुल्क है, पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है, फारूक अब्दुल्ला साहब बात करते हैं आतंकवाद की फैक्ट्री के साथ वार्ता करने की, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी पेंशन में पाकिस्तान कहां से आ गया, हम भारत के नागरिक है, भारत की सरकार से पेंशन मांग रहे हैं, पेंशन में भी पाकिस्तान आ गया, अरे महोदय थोड़ा सा तो ध्यान रखिए, जिस विषय की चर्चा उसकी चर्चा नहीं हो रही है, हम पेंशन की बात कर रहे हैं आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अरे भाई मैं कह रहा हूं पेंशन पुरानी पेंशन पे आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए ना, पेंशन पेंशन की बात पाकिस्तान आ गया, पुरानी पेंशन क्या बताइए ना, बिल्कुल
देखिए आप चिंता ना करिए, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। देखिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद है, मैं केवल उनका उत्तर देना चाह रहा था क्योंकि कांग्रेस का गठबंधन है समाजवादी पार्टी से और ये इंडिया अलायंस का हिस्सा है और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस। पेंशन पर कुछ बोल दो ताकि फिर समय भी कम है, पेंशन पर क्या कहना चाहते बता दो जी। नहीं देखिए जिस प्रकार से एक विवाद क्रिएट किया जा रहा है और कुछ नेताओं के द्वारा लोगों को जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, तो मेरे जानकार अभिनल जी बिल्कुल गलत। फिर राजनीतिक बयानबाजी मत करिए, ये पढ़ा लिखा है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, आप उनको बेलगाम करने की बात करें, उनको गुमराह करेंगे। अरे इतना तो ध्यान रखिए, पढ़े लिखे वर्ग पर आप कमेंट कर रहे हैं महोदय, इतना तो ध्यान रखिए। प्रोफेसर है, पढ़े लिखे, डॉक्टर है, राजनीतिक बयानबाजी मत करिए। एक बात बोलिए, पुरानी पेंशन पर आपका क्या व्यू है? आप हमको गुमराह करने की बात करें, हम पढ़े लिखे हैं, हम नेट है, पीएचडी, हमारे सारे लोग हैं, उनको गुमराह कर देंगे? ऐसे राजनीतिक बयानबाजी भाषणों में करिए, राजनीतिक दलों में करिए, जो संवेदनशील मुद्दा उस पर बात करिए। पुरानी पेंशन आपका स्टैंड क्या है इस पर बताइए आप। बस गुमराह कर दिए, कुछ लोग गुमराह कर दिए, ये लाखों लोग पढ़े लिखे हैं, राजनेताओं की तरह अनपढ़ लोग नहीं है, वहां पर दोनों चलते हैं, यहां सब पढ़े लिखे लोग हैं, अपना हित हित जानते हैं, उस पर आप बात करिए। ये गलत बात आपने बोला, गुमराह कर दिए। आप मेरे ऊपर सवाल खड़े करते हैं तो मेरा भी आपसे सवाल रहेगा, एक नागरिक के नाते मेरा आपसे प्रश्न रहेगा, एक कॉमन सिटीजन के नाते मेरा आपसे सवाल रहेगा। नहीं, आपको जवाब देना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा काम। आप सुनिए, की बात करना गुनाह है क्या? अपने हक की बात करना गुनाह है क्या? कुछ गुनाह नहीं है, कुछ गुनाह नहीं है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। सुनिए सुनिए, लाखों लोग यहाँ एक प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं, केवल कंटिन्यू आप बोलते जा रहे हैं। आपको विषय का हल नहीं चाहिए, आपको सॉल्यूशन नहीं चाहिए, हाथ तो हम लोग आपसे जोड़ रहे हैं, हमें सॉल्यूशन चाहिए, हम सॉल्यूशन बात कर रहे हैं। आपका स्टैंड क्या है हमसे चाहिए, हमें और चाहिए प्रॉब्लम उनका इंक्रीज करना चाहिए। पुरानी पेंशन सामाजिक सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी होती है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री संरक्षक होता है हमारा, हम अपनी संरक्षक से अपनी बात कह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा दी जाए, बुढ़ापे की लाठी दी जाए, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, इस पर आप बात करिए। ठीक है, देखिए जहां तक बात है न्यू पेंशन स्कीम की, अगर कोई व्यक्ति न्यू पेंशन स्कीम के पक्ष में है तो उस व्यक्ति का आप क्या करेंगे, मुझे केवल इस बात का जवाब दीजिए। मैं बहुत से लोग ऐसे आपके सामने कली लाके खड़ा कर दूंगा, जवाब दीजिए। अगर अभिराज जी आप अपने सोशल साइट पर डाक डाल दीजिएगा, एनपीएस लेना, यूपीएस लेना, ओपीएस, आप अपने सोशल साइट डालिए, हमारी बात ना करिएगा। ठीक, आप अपने लिख देंगे तो ठीक, अगर कर्मचारी है भाई, समय कम है। ठीक है, आगे बात अभिराज जी, आगे एक प्रश्न खड़ा हुआ उसका उत्तर मैं दे दूंगा, सबके लिए मेरे ख्याल से स्वीकार्य होना चाहिए। भैया अभिराज बाबू, इसमें इतना लोड ना लो, एनपीएस के साथ यूपीएस आ गई, यूपीएस के साथ ओपीएस जोड़ दो, विकल्प दे दो, देश बता देगा कहां खड़ा है। आपने कहा कि अगर मान लीजिए किसी के दिल में एनपीएस बस गई हो, अब वो भटक रहा हो कि एनपीएस, तो उसको मना नहीं करेंगे, तुरंत एनपीएस उसको मिल जाएगी। फार्म में एक विकल्प और भर दो। सुजाता जी, तो अच्छी बात बताई ना मैंने, गलत तो नहीं कहा? सामान्य आदमी भी जान लेगा कि एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस। उसके बाद फिर ये बात आएगी जब हम उसका परिणाम देख लेंगे कि देश के सरकारी कर्मचारियों ने किसको चुना, तो फिर शायद माफी आपी की बात आएगी ऐसे मंचों पर, क्योंकि हम शायद देश को नहीं समझ पाए। ठीक, दूसरी बात अविरल जी ने कही कि भाजपा ने नहीं मांगा था परमिशन। भैया, जो परमिशन देने वाली मशीनरी होती है ना आशीष जी, वो इतनी समझदार होती है, समाजवादी की सरकार होती है तो लोहिया जी से जुड़े सारे कोई भी समिति बना लीजिए, उसको परमिशन तुरंत कलेक्टर घर आके दे जाता है। क्या आजकल दीनदयाल जी का चल रहा है? चल रहा है ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति न्यास बना लीजिए। सुजाता जी, कहीं कोई फाइल रुकती है? नहीं, क्योंकि अधिकारी भी जानते भैया इन्हीं की तो सरकार है, गलत तो नहीं कहा सुजाता जी? दीनदयाल स्मृति विचार मंच बना लीजिए, उसकी फाइल कहीं रुक सकती है? सुजाता जी बताओ, हाँ ना? लेकिन आज के दौर में मुलायम सिंह यादव स्मृति विचार मंच बना लोगे तो उसकी फाइल रुकी जाएगी, गलत तो नहीं का? ये सत्ता का चरित्र होता है और ब्यूरोक्रेसी उस चरित्र को पहचानती है। इसलिए मैं फिर कहता हूं, जिन लोगों को ये है कि हमारा ये सरकारी कर्मचारियों का ये सही प्रतिनिधित्व ये लोग नहीं कर रहे जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप सही प्रतिनिधित्व करने वालों को सामने लाइए ना देश के,
आप हर जिले में एक ऐसा प्रदर्शन करा दीजिए कि वी वांट एनपीएस, ओनली एनपीएस। सोमवार को आप, सोमवार से लेकर शनिवार तक आप कहते रहे कि एनपीएस से बेहतर कुछ नहीं, इसमें कई राई रत्ती परिवर्तन नहीं करेंगे, और शनिवार इतवार को आपने अचानक से कह दिया कि नहीं एनपीएस नहीं, अभी और उससे अच्छी वाली दवा लाए हैं। क्या पहले कह रहे थे 300 एमजी की गोली ठीक है, अब कह रहे 600 एमजी के लिए आए, क्यों? या तो पहले वो खराब थी तो क्यों नहीं माना वो खराब है? 21 साल खराब चीज चली क्यों? 21 साल खराब चीज चली क्यों भाई? ये माना कि खराब है, तभी उस नई स्कीम आई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? खराब चीज 21 साल कैसे चली और क्यों चली? एक और बात आई थी जिसको हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर ले गए, वो विषय सर्जिकल स्ट्राइक वाला के जिन लोगों ने इसका सबूत मांगा, मैंने राजनीतिक व्यक्तियों से ज्यादा तीखे अंदाज में उस बात की आलोचना की थी जो मेरी शैली है, जिन लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा था। लेकिन किसी ने सबूत मांगा इससे इस बात का कोई ताल्लुक नहीं कि बॉर्डर पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों को शहादत का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा, ना इसे उस बात का क्या लेना देना। और सबूत मांगा, जनता ने इनको कान पर दिया एक सन्नाटा झन्नाटा, बात खत्म हो गई। लेकिन मैकू का लड़का जो नागालैंड में शहीद हो गया, किश्तवाड़ में शहीद हो गया बीएसएफ का, उसके बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा? क्या भाजपा ने क्या कहा, कांग्रेस ने क्या क्या कहा, अखिलेश जी ने क्या कहा, आप लोग जानो। भरे पेट की स्थिति दूसरी होती है और खाली पेट की दूसरी। भारत का जो राजनीतिक नेतृत्व है वो तो सरसज्ज है, जो सरसज्ज है ना, जूस भी अंजीर का ही पी रहा है, अब सत्तू पीने वाला तो टाइम बढ़ा नहीं। एक बार मैंने एक सवाल कर दिया था सुजाता जी, अजीत सिंह जी थे तो मंत्री थे केंद्र में, तो ऐसी बातचीत होने लगी भ्रष्टाचार की इसकी, मैंने कहा दुनिया का भ्रष्टाचार छोड़ो, पहले आप ये बताओ सांसद और मंत्री को कितनी तनख्वाह मिलती है, इतनी, और मैंने उसके एक दिन का खर्चा जोड़ लो, जांच कराने की भी जरूरत नहीं, क्या पांच जोड़ी तो कुर्ता पजामा बदल लेते हो सुबह से शाम तक, 250 रुपया धुलाई जा रही है उसकी, कहां से आ रहा है? हम तो मोटी बात जानते हैं ना, 1000 कप चाय बन रही, जूस आ रहा है, कहां से आ रहा मुफ्त में? गंगा जी से पानी ले आते हैं उससे बन रहा नहीं ना, तनख्वाह तो उतनी है ना जितनी स्टेट बैंक में आती है। विधायक की तनख्वाह, सांसद की तनख्वाह हमको मालूम नहीं क्या? सुजाता जी मालूम है ना, आप तो इंटरनेट पे, अब तो कोई चोरी छुपा कर नहीं सकता, और मेरी उनसे हमेशा ज्यादा तनख्वाह रही क्या? और मेरी दुर्दशा देख लो और उनकी, उनका वैकुंठ पास देख लो क्या, पेंट हाउस, कौन कौन हाउस, फार्म हाउस, क्या क्या, अरे बाप रे बाप, क्या घर के अंदर ही जहाज उतर रहा है अविनल बाबू। ऐसे ऐसे जनता के सेवक जिनने घर के अंदर ही जहाजवा उतरवा दिया, बोले गुड्डू यहीं बनवा दो, बाहर हर कहां जाएंगे क्या, अरे अपना गमछा बांध के बैठ गए जहाज में, ससुर क्या करना, घर ही चलना क्या, मैं नाम लूं? वो लोग ज्ञान देते हैं कि देश बिगड़, देश गरीब है। और एक बात मैं कहूंगा, ये तय कर लेना चाहिए हमको कि हम गरीब हैं या हम सशक्त हैं, संपन्न हैं, समृद्ध हैं, पहले इस पर एक सारे पंचों से मैं निवेदन करूंगा, एक राय करके इसको सार्वजनिक तौर पर देश को बता दो कि हमें अभी अपने को गरीब मानना है या बदला हुआ भारत मानना है। सुजाता जी आप भी उसमें योगदान दो, ये पता लग जाए कि मानना क्या है, नहीं बीमार मानना है या गामा पहलवान मानना है, ये तो पता लगे। हमें तो लाल गेहूं वाला भारत देखा जब दो दो वक्त का भोजन नहीं था भारत के पास, आज वैसी स्थिति है क्या? दोनों चीजें नहीं चलेंगी, 11 बजे गरीब और 12 बजे ग्लोबल लीडर, दोनों चीजें कैसे चल जाएंगी? सुनने वाला नहीं पकड़ा जाएगा, वो उसके कान से धुआं निकलने लगेगा, बोलो गुरु क्या बवाल है यार, ये कौन सी निंजा टेक्निक है, नहीं पागल हो जाएगा। और पेंशन की पहले जितनी जरूरत थी विजय बंधु, उससे 100 गुना ज्यादा आज जरूरत है पुरानी पेंशन की। पहले सामाजिक मूल्यों का वजन था, बाप बाप होता था, कमाए ना कमाए,
अम्मा अम्मा होती थी, आज बेटा कहीं बेटी कहीं, बाप और अम्मा पड़े हैं बुढ़ापे में, उनका जीवन कैसे चलेगा? बड़ा कठिन प्रश्न मैंने रख दिया ये समाज के सामने, जान लीजिए। हमने कभी नहीं सोचा कि हमारे बाबा थे, दादी थी, लेकिन हो सकता मेरे मेरी बात की पीढ़ी इस बात को सोचे कि भाई अब आपका लोड भी हम उठाएं। ये जब करते हो, जब नौकरी कर रहे तो कुछ क्यों नहीं सोचा? हमारा तो अपने नहीं पूरा हो रहा, स्टारबक्स में जाके कॉफी पीनी है, है? फिर वर्ल्ड टूर पे जाना है, आपके चश्मे के लिए पैसा कहां हमारे पास? सुजाता जी नहीं बोले, गोवा में जा रहे हैं हम हॉलीडे मनाने, आपने अपना बता दिया, दवाई का पर्चा पकड़ा दिया, अब गोवा जाएंगे दवाई लाएं। ये सामाजिक सच्चाई है, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। और सबके घर में ऐसा, मैं ये भी नहीं कह रहा, लेकिन बहुसंख्यक देश की स्थिति यह है। मैंने ऐसे ऐसे बुजुर्ग देखे जिनकी इच्छाएं मालूम कितनी छोटी सी हैं, रह रहे घर में बेटे बहू के, सुजाता जी कि दही नहीं मिलता है हमको खाने को, बहू नहीं देती क्या, और चाय पर भी प्रतिबंध है कि एक ही बार पियोगे, हमने देखा है, मेरा ऑब्जर्वेशन रहता है इन सब चीजों पर। वो याद करते हैं कि हम जब नौकरी में थे तो हमने बच्चों के लिए क्या क्या किया, आज ये स्थिति है। क्या हमारी हमारा सामर्थ्य इतना कमजोर हो गया एक राष्ट्र के तौर पर? और जो लोग ये कहते हैं कि नहीं भारत बर्बाद हो जाएगा, मैं कहूंगा वो सारी बिरादरी भारत के पौरुष और पुरुषार्थ पर सवाल खड़ा करती है। भारत इतना कमजोर नहीं कि हम पेंशन नहीं दे पाए। हमने तब पेंशन दी जब हम गरीब थे, दरिद्र थे, अमेरिका से गेहूं आता था, अमेरिका ने वियतनाम पर हमला किया, ये गरीब भारत था जिसने अमेरिका की आलोचना की। गेहूं आना अलग चीज है, लेकिन हम अपनी बात रखेंगे। आज के भारत को हम ये साबित करना चाहते हैं कि नहीं भाई, अभी वो इनमें हैसियत नहीं कि पेंशन दे पाए। ये भारत के स्वाभिमान का जो तिलक भारत के माथे पर लगा है, उसको पोछने का काम मत करिए। 140 करोड़ 50 करोड़ का भारत 1 करोड़ लोगों को पेंशन नहीं दे सकता, नहीं। और अगर कहीं खर्चे कम करने हैं तो कम किए जाने चाहिए। बहुत जगह लीकेज है, वहां एमसील लगाने की जरूरत है अविरल बाबू, नहीं। बहुत जगह लीकेज है, नहीं। मैं तो ऐसे नेताओं को जानता हूं, वो मिलते हैं कि यार सुबह दिल्ली हूं, दोपहर में बेंगलुरु हूं और शाम को हैदराबाद हूं, पैदल तो जाने रहे, ये जहाज की टिकट कहां से आती है? सुजाता जी नहीं, हम लखनऊ तक का टिकट करा लें, सोचना पड़ता कि यार पैसा लग गया, नहीं। जैसे आम आदमी टेम्पू में नहीं चलता, वैसे नेता जहाज में चल रहे हैं कि नहीं, बोलो हाँ या ना। सुजाता जी चल रहा है कि नहीं? कभी नहीं, जोर से बोलो, कभी किसी नेता से आपने सुना कि यार सुजाता जी मुझे जाना है बंबई, पैसे नहीं, कहां से जाऊं? सुना तब? अविनाश बाबू गलत नहीं कह रहा, अभी आपको फोन आ जाए बोले नागालैंड आ जाओ, आपको रात की फ्लाइट ले लेता हूं, और थोड़ा और भगवान की कृपा रहेगी, साल दो साल बाद हो सकता है आप ये कह दो कि भाई साहब फ्लाइट तो नहीं, मैं चार्टर ले लेता हूं और पहुंच रहा हूं नागालैंड।